हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान पुलिस SI सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, सेकंड पेपर, उसकी आंसर की। इसमें एकदम राइट सटीक आंसर बता रखे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन नीचे करूँगा, आप देख लेना उसको, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कुशासन का दायर बदलो जी, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासक का समय किया था, वो अवध है। इसमें से अजरक पिंट सांगनेर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मिंदर गुज्जर प्रतिहार वास्तुकला का नहीं है, चार चौमासा सिंह मंदिर जो है वो नहीं है दोस्तों। सोन नगरी हाल जैन मंदिर का भाग नहीं है, वो नरसिया मंदिर जो अजमेर में है वो नहीं है दोस्तों। तेरहवा क्वेश्चन, इसमें जो गांधी जी का जो काल बता रखा है, जो आंदोलन का उसका बताना है। होम लोड जो आंदोलन था वो, खिलाफत आंदोलन, फिर स्वविज्ञान, फिर भारत छोड़ आंदोलन जो 1942 में हुआ था। ये जो लीलावती की बुक पूछ ली है इन्होंने, COP23 कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था आयोजित, बॉन जर्मनी में आता है दोस्तों, ये सेकंड वाला। बोराड का पटा उदयपुर और उत्तर पश्चिम कोमलगढ़ का गोविंदा वाला है। हॉटस्पॉट एरिया अफ्रीका में जो उस पर दर्रा, चिली अर्जेंटीना, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका के देश हैं। दो सौ बेझिझक जो आंसर दे रखे हैं उसको कर दीजिए, एकदम आंसर राइट एकदम सर सारे। इसमें कौन से राज्य के स्थानीय सरकार की पंचायत स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकरण किया है, वो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। जो पंचायती राज राजस्थान में शुरू हुई थी उसमें जो पंचायत राज आता है 243G में आता है अनुच्छेद में। फिर मूल अधिकारों का संबंध में जन अधिकार दोनों में कर सकते हैं, SC और SC दोनों में कर सकते हैं। ये 19 में था, अब जो मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है वो 300 कम है दोस्तों, पहले 19 में था उसको हटा दिया गया है। मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य हो सकती है 11+1 मुख्यमंत्री में समेत। इसमें दोस्तों जो मानव विकास रिपोर्ट 2016 में है उसका होगा 131, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वो KN सिंह थे। राजस्थान जो ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण विपणन के लिए मिनी प्लांट जो लगाएगा वो है जयपुर में, और जो जयपुर में जो है और ऊँटनी की उच्च कला वो होती है बीकानेर में दोस्तों, याद रखना। साथ ही पंचवर्षीय योजना मुख्य जोर पर खाद्य उत्पादन रोजगार पर दिया था। इसमें राजस्थान के पश्चिमी जिले जो गर्मी उन्मूलन के लिए कौन से एजेंसी पहल की थी, वह कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD जो है रतन टाटा ट्रस्ट के भी हुआ था। ये एक बजट का क्वेश्चन दे दिया। राष्ट्रीय योजना जो हर बार पूछी जाती है जो 2016-17 में की गई थी, ये साइंस के क्वेश्चन। ये जैव विविधता का कब घोषित किया गया है, इसमें 2010 को घोषित किया गया और उसको प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, 22 मई को, याद रखना दोस्तों।
पारिस्थितिक तंत्र में जो तालाब का जो होता है क्रमवार उसका पूछा है दोस्तों, और ये PSLV 37। विद्युत की मात्रा अंतर्राष्ट्रीय मानक की इकाई है एम्पियर दोस्तों। इसमें दोस्तों ए तथा बी दोनों बहनें हैं और आर एस का भाई है, और ए की बेटी आर है की बहन है, जो आर की बेटी है वो ए की बेटी की दोस्त है मतलब बहन है उसकी, और बी और एस के साथ क्या संबंध होगा वो होगा मौसी का संबंध होगा दोस्तों। और उसमें दो मिश्र धातु में होगा 3.11। इसमें दोस्तों इसमें जो दे रखा है ना इसका आप मान लेना 34 लगभग होगा, और लगभग 33 होगा इसमें, अगर 33 मानते हो तो 1-3 आएगा, क्योंकि इसमें 11 दे रखा कॉरपोरेट का समीकोलम, और फिर उसमें 34 मानते हैं तो फिर भी ये 1:3 में आएगा, इसको काटेंगे 11 से एक बार गया, इसको काटेंगे 3 बार गया, इसमें भी आएगा एक एक बार आएगा दोस्तों। जो कि अभी विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा जो फेमस चीज़ है अभी जो हाल ही दिनों में जयपुर में हो रहा है परकोटे के लिए, जो नगर यूनेस्को धरोहर के लिए प्रस्तावित किया गया है, जो प्रतीक हजेला कौन है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का असम राज्य में समय जो भी चल रहा है असम में, इसमें दोस्तों ये जो इसमें सिर्फ ओनली फॉर भारत और अमेरिका ने सिर्फ एक सरकार का एक समझौता ही है, ना कि दोनों पक्ष की संस्कृति इसमें इंक्लूड होगी। दोस्तों ये 97 का क्वेश्चन है, ये या तो डिलीट होगा क्योंकि 15 अगस्त को करंट अफेयर में 6 दिन जो दिया गया है, जैसे इसमें बता रखा है कि सौ में कि शहरी क्षेत्र में सोमवार बुधवार और शुक्रवार को दूध दिया जाएगा, बट 15 अगस्त के बाद में 6 दिन दिया जाता है, ये शायद बोनस का अंक मिल सकता है दोस्तों दो नंबर का। ये सब करंट अफेयर का पूछे सोनावाचे भारत नाट्यम में, और लास्ट क्वेश्चन है जैक्सन जॉनसन के हाल ही दिनों में जो उसने पदक जीता था 1500 मीटर की दौड़ एंड स्वर्ण, और 800 मीटर की दौड़ रजत में जीता था दोस्तों। ये था राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर जो 7 अक्टूबर को पेपर हुआ था। आपको और भी कोई किसी का पेपर एनालिसिस या उसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं 1-2 दिन में वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।